एवरीवन, आप सबका अनिल नरोला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। परसों से आप एक न्यूज देख रहे होंगे रिगार्डिंग द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जो कि 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था यहां पर विद द 19 एंड 28 पैरामीटर्स। यहां पर नीति आयोग ने जल मंत्रालय, जल मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ जल, उनको कहा है कि जो ये 5 साल पहले रिपोर्ट आई थी, हमें अब इसको डिसकॉन्टिन्यू करना चाहिए। ये क्या इंडेक्स होता है, किसके बेस पे ये आती है रिपोर्ट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। नीति आयोग, जो कि एक थिंक टैंक है, आप सबको पता है दिल्ली में है, इज लर्न टू हैव मार्क द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट प्रोग्रेस ऑन वाटर मैनेजमेंट फॉर 2018-19, 5 साल पहले की, फॉर द इंटरनल यूज आफ्टर हैविंग पब्लिकली रिलीज द प्रीवियस एडिशंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, तो एक तो वाटर स्कार्सिटी क्या होती है, वाटर स्टोरेज क्या होती है, वो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने क्यूबिक यहां पर चाहिए होता है एक साल में एक पर्सन को पानी। एंड उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या फाइंडिंग्स है एंड किस तरीके से हम देख रहे हैं कि वाटर शॉर्टेज लगातार इंडिया में बढ़ती जा रही है। तो रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल भी आया था कि नीति आयोग वेज डिसकंटिन्यूइंग ऑफ द कंपोजिट वाटर इंडेक्स, द रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश्ड 5 years ago, 5 साल पहले ये रिपोर्ट आई थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब कुछ ये। पहले एक मैं वाटर पॉलिसी आपको डिस्कस करवा देता हूं कि वाटर पॉलिसी की क्या टाइमलाइन रही है इंडिया में। राइट टू वाटर रिकॉग्नाइज्ड, आप सबको पता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट टू वाटर एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल वाटर पॉलिसी रिवैम्प्ड होती है, पॉलिसी फोकस करती है टू ट्रीटिंग वाटर एज इकोनॉमिक गुड फॉर एफिशिएंट यूज। उसके बाद नेशनल वाटर लिंकिंग रिवाइटलाइज्ड, आप सबको पता है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उसमें सबसे फेमस केन बेतवा केस चल रहा है। नाउ गवर्नमेंट एलोकेट्स फंड्स टू प्रिपेयर डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट। इस तरीके से हमारी वाटर पॉलिसी लगातार आगे से आगे बढ़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि DDU JGY लॉन्च, गवर्नमेंट बिगिंस द सेपरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फीडर्स फॉर एग्रीकल्चर, रिड्यूसिंग इंसेंटिव फॉर एक्सेसिव इरिगेशन। एक्सेसिव इरिगेशन के बाद आप सबने देखा ही है कि पंजाब में किस तरीके से प्रॉब्लम्स यहां पर बढ़ी हैं एंड कैंसर पेशेंट्स बढ़े हैं। हम देखते हैं कि सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक दिस इलेक्ट्रिसिटी फीडर्स फॉर द एग्रीकल्चर पार्ट। देन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। सेवरल फंक्शंस कंसोलिडेट अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कामों को कंसोलिडेट कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट होती है, सो दैट एफिशिएंटली इरिगेशन किया जाए और माइक्रो इरिगेशन पे यहां पर फोकस किया जाए। तो किस तरीके से हम वाटर का एफिशिएंट यूज करने के लिए लगातार आगे से आगे जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं 2018 में इंडिया और इजराइल का एक वाटर पार्टनरशिप भी फॉर्मलाइज होती है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU गवर्नमेंट साइन करती है, सो दैट इजराइल की एक्सपर्टीज को यूज किया जा सके फॉर द नेशनल कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए इजराइल की एक्सपर्टीज को यूज किया जाए। तो हम देखते हैं 2018 तक यहां पर किस तरीके से वाटर पॉलिसीज आती है, 2000 से ये स्टार्ट होता है। नाउ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस से हम लगातार अभी यहां पर सफर कर रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हमारे पास है। करेंटली 600 मिलियन इंडियन फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर प्रॉब्लम, द क्राइसिस इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स। धीरे धीरे कर ये और वर्स होता जा रहा है। इन्हें कहा जा रहा है कि 2030 तक द कंट्रीज वाटर डिमांड्स इज प्रोजेक्टेड टू बी ट्वाइस द सप्लाई। जितना पानी हमारे पास अभी है उससे दुगनी 2030 तक यहां पर डिमांड्स बढ़ जाएंगी पानी की। लगातार पॉपुलेशन भी यहां पर बढ़ रही है। बिकॉज ऑफ दिस थिंग यहां पर कहा जा रहा है कि 6% लॉस इन द कंट्रीज GDP अगर आप ऐसे ही चलता रहा तो ये प्रॉब्लम्स आगे जाके और वर्स होने वाली हैं। एंड यहां पे इसके बाद दो डेफिनेशन आएंगी, वाटर स्टोरेज क्या है यहां पे ये हम डिस्कस करते हैं,
स्कार सिटी क्या होती है ये हम डिस्कस करते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज पर द नॉर्म्स द अवेलेबिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 1700 क्यूबिक मीटर, 1700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन एक साल में एक बंदे के लिए, अगर उससे लेस अवेलेबल हो रहा है दैट मींस पानी की कमी हो गई है, वाटर शॉर्टेज। वाटर अवेलेबिलिटी बिलो 1000, अगर 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो रहा है एक पर्सन के लिए, दैट इज नोन एज द वाटर स्कार्सिटी। बिल्कुल और ज्यादा यहां पर वर्स हो गई है कंडीशन। तो ये दो आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नाउ कम्स द नेक्स्ट इज द यूएन यूनिवर्सिटी। एक यहां पर एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसने वार्न किया है कि इंडिया यहां पर बहुत ही ज्यादा वर्स कंडीशन पे लगातार आगे से आगे जा रहा है। दस देर इज एन इमिनेंट नीड टू डीपन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस को हमें अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑल द गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस पे चल रहे हैं। एंड द यूजेज एंड पुट इन प्लेस द इंटरवेंशन दैट मेक्स इट वाटर यूज एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल। हमें सस्टेनेबल यूज पानी का करना पड़ेगा आने वाले समय में, तभी हम इस कंडीशन से डील कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या है जिसकी बात अभी नीति आयोग ने बीच में कहा और डिसकंटिन्यू करने के लिए बोला, जो कि 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। दैट मींस 2023 चल रहा है, 2018 में स्टार्ट हुआ। टू इनेबल द इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट इन इंडियन स्टेट्स इन फेस ऑफ ग्रोइंग क्राइसिस। जिस तरीके से देख रहे हैं कि क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, इस इंडेक्स को डेवलप करने का एक ही मोटिव था कि वाटर मैनेजमेंट ढंग से हो, एफिशिएंटली हो, सस्टेनेबल हो। द रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन एसोसिएशन विद 3 मिनिस्ट्रीज। 3 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। नंबर 1 वाटर रिसोर्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये तीनों यहां पर इसमें इन्वॉल्व है। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे? टू ब्रिंग अबाउट द मच रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट इन द वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। नाम से पता लग रहा है कि भाई सस्टेनेबल यूज हो पानी का, एफिशिएंट यूज हो पानी का, वाटर मैनेजमेंट हो। नंबर 2 इट विल बी अ पब्लिक प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स द एनुअल स्नैपशॉट्स ऑफ द वाटर सेक्टर स्टेटस एंड द वाटर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। नीति आयोग की आप एक चीज पढ़ी होगी आपने, कॉपरेटिव फेडरलिज्म, कंपेटिटिव फेडरलिज्म। यहां पर ये क्या किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की परफॉर्मेंस बताई जा रही है कि किस तरीके से यहां पर वो इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। जैसे हर घर हर नल, अभी एक यहां पर भारत सरकार की यहां पर एक स्कीम भी थी जिसमें बहुत सारे स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे उसका टारगेट 2024 था। इट विल मेजर बोथ द ओवरऑल प्रोग्रेस मेड बाय द स्टेट्स इन वाटर मैनेजमेंट एंड इंक्रीमेंटल इंप्रूव इन देयर परफॉर्मेंस, कि स्टेट किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, पानी को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके से यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ बढ़ाएगा। एंड कहीं ना कहीं ये एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जो कि नीति आयोग यहां पर रिपोर्ट्स भी लेकर आती है, कॉपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव, आपस में स्टेट्स में कॉम्पिटिशन होगा कि कौन अच्छे तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। सो इट इज मेंट टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ एविडेंस इन द डाटा बेस्ड दिस पॉलिसी डिसीजन फॉर सस्टेनेबल यूज। दिस इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कॉपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बता के हटा हूं। यहां पर जब दो स्टेट्स के बीच में 28 स्टेट्स हैं, अब हमारे पास 8 यूटीज हैं अभी हमारे पास, तो इन स्टेट्स में कॉम्पिटिशन होगा कि किस तरीके से इस स्टेट की परफॉर्मेंस बढ़े, किससे इसकी बढ़े और कैसे इसकी बढ़े। एंड आपस में जितना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा उतना अच्छा वो वाटर मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। Now, the data included in the index will be made publicly available to the researchers to drive innovation. इस data को public किया जाएगा so that जो entrepreneurs हैं या फिर researchers हैं वो इसको पढ़कर और यहाँ पर drive कर सके innovation किस तरीके से लेकर आनी है। So the collection and the compilation of this statistical data is a big step towards addressing the country's problem. जो कंट्री की प्रॉब्लम चल रही है उसको एड्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। नाउ द थीम एंड द इंडिकेटर्स, किस किस उसके पेज पर आ रहा है, ग्राउंड वाटर एंड द सरफेस वाटर, कितना आपने ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को रिस्टोर कर रहे हो, मेजर मीडियम इरिगेशन,
वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं आपके, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट किस तरीके से चल रही है, ऑन फार्म वाटर यूज किस तरीके से आप फार्म्स में पानी का यूज कर रहे हैं, रूरल एंड अर्बन वाटर सप्लाई पॉलिसी एंड द गवर्नेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या आपकी पॉलिसी और गवर्नेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं एंड कुछ थीम्स हैं जिसके बेस पे ये आ रहा है। नाउ फर्स्ट एडिशन, ये थोड़ा सा आपके लिए फैक्चुअल डेटा है। सबसे पहला जो एडिशन था वो 2015-16, 16-17, सेकेंड एडिशन 2019 जो कि 2017-18 का था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स फॉर 1920 गुजरात लिस्ट विद द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, गुजरात लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा है एंड इज क्लोजली फॉलोड बाय द राजस्थान एंड द आंध्र प्रदेश इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। तो आप देख रहे हो स्टेट की परफॉर्मेंस आ रही है कि कौन कौन सा स्टेट अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। जैसे ग्राम पंचायत में आती है, लास्ट टाइम ओडिशा का बेस्ट ग्राम पंचायत गया था। वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर रैंकिंग आती है एंड कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की यहाँ पर स्पिरिट को बीच में लेकर आएगी। रिसेंटली नीति आयोग रोड टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सीकिंग द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव ऑन द यूज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडेक्स एंड वेदर इट शुड बी कंटिन्यू और नॉट, जो कि न्यूज थी कि जल मंत्रालय को नीति आयोग ने अभी लिख के दिया है कि क्या इसको कॉन्टिन्यू आगे करा जाए या ना करा जाए। ये इस बार की ये न्यूज थी जिसके ऊपर हमें टॉपिक डिस्कस किया है। देयर हैज बीन नो रिस्पांस फ्रॉम द मिनिस्ट्री इवन एज द थर्ड एंड द फोर्थ एडिशन आर अवेटिंग, बट मंत्रालय से कोई भी रिस्पांस यहां पर नीति आयोग को नहीं जाता है। सो द लेटेस्ट रिपोर्ट मार्क्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट फॉर 18-19 एंड पॉइंट्स आउट द वाटर स्कार्सिटी इज अ नेशनल प्रॉब्लम। वाटर स्कार्सिटी नेशनल प्रॉब्लम है। वाटर स्कार्सिटी क्या है कि एक साल में 1000 क्यूबिक से भी कम पानी अगर अवेलेबल हो रहा है, दैट इज द वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी से पहले वाटर स्टोरेज पड़ा, अगर 1700 क्यूबिक पर पर्सन पर ईयर से कम होता है, दैट इज द वाटर स्टोरेज। तो नीति आयोग ने रिसेंटली यही यहां पर जल मंत्रालय को लिख के दिया था कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए कि ना किया जाए। तो इस न्यूज में से हमने प्रीलिम्स के लिए 2-4 चीजें भी यहां पर देख ली हैं कि जो कि पेपर में पूछी जा सकती हैं एंड इंडेक्स तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है एंड मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये न्यूज बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, करंट अफेयर सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आप हरदम अपडेटेड रहे। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।